सरों का। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। स्वागत है आप सबका प्राइम शतक में। पीएम मोदी की सुरक्षा में बड़ी चूक, मैसूर में रोड शो के दौरान महिला ने फूलों के साथ मोबाइल भी फेंका। कर्नाटक में गरजे पीएम मोदी, बोले कांग्रेस और जेडीएस दिखावे के लिए दो दिल दोनों से एक ही है। पसमांदा मुस्लिम बीजेपी का बयान, 10 मई से मुस्लिम बहुल 65 लोकसभा क्षेत्रों में 3.25 लाख मोदी मित्र करेंगे भाजपा का प्रचार। प्रियंका गांधी का बड़ा बयान, बोली राहुल देश के लिए गोली खाने को तैयार, मेरे परिवार को जो गालियां दी उस पर किताब छप जाएगी। केरल सीएम बोले दी केरल स्टोरी फिल्म पर बैन लगे, विजयन का दावा 32,000 लड़कियों के धर्म परिवर्तन की बात गलत है। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी की तबीयत बिगड़ी, सीने में जकड़न की शिकायत के बाद कराया गया भर्ती। कपिल सिब्बल पर बीजेपी पर तंज, बीजेपी बहुत अच्छा काम कर रही, आज मीडिया का मुंह बंद कर रही है। बीजेपी के लिए अमृतकाल और कर्नाटक के लिए विषकाल, पीएम के कांग्रेस शासन को भ्रष्टकाल बताने वाले बयान पर बोले सिद्धारमैया। गुलाम नबी आजाद का बड़ा बयान, बोले जम्मू कश्मीर को लंबे समय तक निर्वाचित सरकार से वंचित नहीं रखा जा सकता। अभिषेक बनर्जी का बड़ा दावा, बोले बीजेपी की डराने वाली रणनीति काम नहीं करेगी, 2026 के चुनाव में 240 सीटें जीतेगी टीएमसी। अन्नामलाई का डीएमके पर कसा तंज, बोले डीएमके शासन में चेन्नई मेट्रो रेल परियोजना में हुआ बड़ा घालमेल, शिकायत के बाद सीबीआई को सौंपे सबूत। संजय राउत ने भाजपा पर साधा निशाना, बोले शिंदे और फड़वड़ीस को एमईएस के लिए करना चाहिए प्रचार। पुंछ आतंकी हमले के बाद सैन्य सुरक्षा बढ़ी, हर 2 किलोमीटर पर मिलिट्री पुलिस के चेक पोस्ट होंगे, रोड ओपनिंग क्लियरेंस बिना नहीं जाएगी सैनिकों की गाड़ियां। दी केरल स्टोरी फिल्म पर मचे घमासान के बीच आया शशि थरूर का रिएक्शन, यह आपकी केरल स्टोरी हो सकती है, यह हमारी केरल स्टोरी नहीं है। गुजरात सीएम के कार्यक्रम में छपकी लेना पड़ा भारी, वीडियो वायरल होने के बाद एक घंटे बाद ही नगर पालिका के अधिकारी सस्पेंड। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 मई को झांसी में करेंगे जनसभा, भाजपा के पक्ष में बनाएंगे माहौल, प्रदेश अध्यक्ष के जाते 22 बागी भाजपा से बाहर। अखिलेश का भाजपा पर वार, बोले सीएम अपने मुकदमे वापस न लेते तो नंबर एक होते, गोरखपुर में ट्रैफिक पुलिस की जरूरत नहीं, यहां सांड ट्रैफिक संभालते हुए। सुल्तानपुर में निकाय चुनाव में आपकी प्लानिंग, राज्यसभा सांसद संजय सिंह 2 दिन करेंगे नुक्कड़ सभाएं, दिल्ली पंजाब के 25 मंत्री व विधायक डालेंगे डेरा। अम्बेडकर नगर में सपा के बागी पार्टी प्रत्याशियों पर भारी, अपने चहेते को टिकट दिलाने वाले टांडा अकबरपुर और आलापुर विधायक की प्रतिष्ठा दांव पर।
सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम करेंगे जनसभा। वाराणसी में 3 विधानसभा के वार्डों में पदयात्रा। महापौर और पार्षदों के लिए आज मांगेंगे वोट। शाहजहांपुर में 2 कारों में भिड़ंत। एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत, 9 घायल। पीलीभीत में दर्शन पूजन कर खीरी लौट रहा था परिवार। कानपुर में शोहदे की पिटाई से घायल युवक की मौत। बहन से छेड़खानी के विरोध पर लोहे की रॉड से पीटा था आरोपी फरार। पैसे के लिए 10 साल के दोस्त की हत्या। वाराणसी में पहले अपहरण किया, पकड़े जाने के डर से गला दबाकर रेत में दबा दिया। पुरुषोत्तम एक्सप्रेसवे में बम, झिंगुरा स्टेशन से पहले उड़ा दो, बाकी टॉकी पर मिली सूचना से मचा हड़कंप। चुनाव पुलिस स्टेशन पर रोकी गई ट्रेन, की जा रही चेकिंग। मैनपुरी में महिला के संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। बेड पर पड़ा मिला शव, पंखे से लटका था दुपट्टा, पास में पड़ा था हथौड़ा। चुनाव प्रशिक्षण से गायब 14 कार्मिकों पर केस। वाराणसी में 408 मतदान केंद्र और 1298 बूथ पर लगेंगे कार्मिक। शिवपाल सिंह यादव पहुंचे इरफान सोलंकी के घर, बोले उन्हें गलत तरीके से फंसाया जा रहा है, पार्टी हर लड़ाई में इरफान के साथ है। मतदाता सूची में मिली खामियां, हुआ बदलाव। प्रयागराज के 4 बूथ को किया गया समाप्त, चुनाव आयोग ने दिए निर्देश। शिकोहाबाद में युवक ने फांसी लगाकर दी जान, खेत में कटहल के पेड़ पर लटका मिला शव, शादी समारोह में गया था। उन्नाव में ट्रेन की चपेट में आकर युवक की मौत। तलाशी में कोटा से उन्नाव का मिला टिकट, बिना बताए घर से निकला था। आप और कांग्रेस के प्रत्याशियों के चुनावी कार्यालय का उद्घाटन। निर्दलीय प्रत्याशी ब्रजेश गोयल ने की समर्थन देने की अपील। बीजेपी मेयर प्रत्याशी महंत गिरीश पति का जनसंपर्क, लोगों को अयोध्या की बदली हुई तस्वीर बताई। सरयू के घाट से लेकर परिक्रमा पथ के जीर्णोद्धार गिनाए हैं। बांगरमऊ में एसडीएमसीओ ने मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया है, साफ सफाई बिजली पानी की व्यवस्था का चाक चौबंद करने का निर्देश दिया है। हसनपुर में ट्रांसफार्मर में लगी भीषण आग, कई मोहल्लों की बिजली कुल, ग्रामीणों ने पानी डालकर पाया काबू। बांगरमऊ के किशोर के हैदराबाद सड़क हादसे में मौत, घूमते वक्त अज्ञात वाहनों ने बाइक में मारी थी टक्कर, भाई के पास गया था। अयोध्या में भूमि घोटाले का खारिज, दाखिला प्रार्थना निरस्त। 4 बिस्वा जमीन को 21 बीघा बताया, विकास केंद्र को 10 करोड़ में बेची थी। डीसीएम पर गिरा शमशान घाट का बिंब, किशोर की मौत। बिजनौर में रास्ता बताने के लिए गाड़ी पर बैठा था, गेट से टकराने से हादसा हुआ। लखनऊ से बंदरगोह परीक्षा में सालवर गिरफ्तार, प्रयागराज का रहने वाला, फोटो मिलान के दौरान पकड़ा गया। राज्य निर्माण सहकारी संघ के जेई पर एफआईआर, बांदा में तैनात है, 15 लाख रुपए ठेका दिलाने के नाम पर लेने के आरोप है। निकाय चुनाव के प्रशिक्षण में पहुंचे जिला निर्वाचन अधिकारी, बोले अधिकार व कर्तव्यों का निर्वहन करें, पोलिंग बूथ रवाना होने से पहले मिलान करें।
मेघालय में महिला ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। पति के साथ किराए के कमरे पर रहती थी, पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव। औरैया में पूर्व सैनिकों ने किया प्रदर्शन, उनको ना तो पॉलीक्लिनिक और ना ही सीएसटी कैंटीन की सुविधा मिल रही है। फिरोजाबाद में अमिताभ ठाकुर ने सरकार पर साधा निशाना, बोली भाजपा सरकार में भ्रष्टाचार चरम खुलेआम घूम रहे अपराधी। फिरोजाबाद में आपके मेयर प्रत्याशी धरने पर बैठे जिलाध्यक्ष, बोले राजनीतिक पार्टियां प्रचार प्रसार कर रही हैं, उनको नहीं दी गई परमिशन। मिट्टी में दबकर एक बच्चे की मौत, एक मजदूर घायल, बेसमेंट में खुदाई के दौरान हुआ हादसा, मकान का निर्माण कार्य चल रहा था। विश्व श्रमिक दिवस, उत्तराखंड के सीएम धामी ने दी बधाई व शुभकामनाएं, कहा श्रमिकों के कल्याण व उनके हितों के संरक्षण देने का कार्य कर रही है। उत्तराखंड के सीएम धामी का बड़ा बयान, बोले जून तक तैयार होगा यूसीएस का ड्राफ्ट, तेजी से हो रहा है काम। हरीश रावत ने अपनी ही पार्टी पर किया वार, बोले मैं कांग्रेस में बालिका वधू की तरह आया था, अब घर की दादी मां बन गया। उत्तराखंड के जंगलों में आग की घटनाओं पर केंद्र सख्त, 2 मई को मसूरी में होगी उच्च स्तरीय बैठक। बद्रीनाथ हाईवे पर मलबा आने से 9 घंटे बंद रहा हाईवे, भूखे प्यासे सड़क पर बैठे रहे यात्री। उत्तराखंड में नशा करने से रोकने पर हुआ पिता और बेटे का झगड़ा, मारपीट में पिता की मौत, बेटा फरार। उत्तराखंड में बिगड़ा मौसम, देहरादून में बारिश, ठंडी हवाओं ने बढ़ाई ठंड, पहाड़ों में बर्फबारी, 4 मई तक बदला रहेगा मौसम। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के मिर्थी में आईटीबीपी के कैंप विस्तार के लिए मिली 9 हेक्टेयर भूमि, शासनादेश जारी। उत्तराखंड में 13,000 फुट की चंद्रशिला चोटी फतह कर 5 वर्ष की नंदा ने रचा कीर्तिमान, माता पिता को दिया श्रेय। कपाट खोलने के बाद बारिश बर्फबारी से बड़ी परेशानी, अब तक 2.5 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन कर लिए हैं। उत्तराखंड में सोनप्रयाग से केदारनाथ धाम रवाना हुए 2,584 यात्री, गंगोत्री यमुनोत्री धाम में बारिश। उत्तराखंड में पहाड़ से मैदान तक बारिश ने बढ़ाई ठंड, ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का येलो अलर्ट। लोकसभा चुनाव को लेकर बोली एक्ट्रेस कंगना रनौत, देश अच्छे हाथों में है तो हम चिंता क्यों करें। उत्तराखंड में वीकेंड पर दिल्ली यूपी के पर्यटकों की उमड़ी भीड़, हरिद्वार ऋषिकेश में जाम हुए हलका। दून पहुंचे नंद किशोर ने सुनाई आप बीती, एक महीने फैक्ट्री में बंद थे, 15 दिन गंदा पानी पीकर काटे दिन। सूडान में लड़ाई के बीच सेंट्रल बैंक में लगी आग, अब तक 3,000 भारतीय निकाले गए, 186 लोगों के साथ कोची पहुंचा वायुसेना का विमान।
ब्रिटेन में भारतीय मूल के माफिया को जेल की सजा, क्लास ए ड्रग्स और हथियार बेचता था, दूसरे देशों में भी फैला था नेटवर्क। पाकिस्तान के सियासी संकट का अमेरिकी संसद में उठा मुद्दा, यूएस के सांसद बोले इमरान खान के मुकाबले शहबाज शरीफ से डील करना ज्यादा आसान। ईरान बोला अमेरिकी सैनिकों को बाहर निकाले इराक, यूएस किसी का साथी नहीं, वो ईरान इराक की दोस्ती का सबसे बड़ा दुश्मन। मैक्सिको में दर्दनाक सड़क हादसा, गहरी खाई में गिरी बस, 18 लोगों की मौत, 11 नाबालिगों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। पाकिस्तान के खुफिया दस्तावेज लीक, यूएस के लिए चीन से रिश्ते कुर्बान करने के खिलाफ थी मंत्री, पीएम शरीफ को दी थी चेतावनी। तुर्की के राष्ट्रपति रेसिप तैयब एर्दोगन का दावा, संदिग्ध इस्लामिक स्टेट प्रमुख अबू हुसैन अल कुराशी सीरिया में मारा गया। रूस के कमांडर इगोर गिरकिन ने दी चेतावनी, कहा पुतिन के खिलाफ हो सकता है सैन्य विद्रोह, पुतिन का करीबी रहा है प्रिगोजिन। अमेरिका में विनाशकारी बवंडर और तूफान का कहर, मौसम विभाग ने शक्तिशाली तूफान के बाद अलर्ट जारी किया। युद्ध के बीच यूक्रेन ने भारत के साथ घटिया हरकत, ट्वीट की मां काली की आपत्तिजनक फोटो, भड़के लोग। मेटा के सीईओ ने शेयर की अपनी डिजाइनिंग स्किल, 3D प्रिंटिंग के जरिए खुद तैयार की बेटी के लिए ड्रेस, कहा मुझे सिलाई सीखनी है। माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज 10 को डिसकंटिन्यू किया, अब नहीं मिलेंगे सॉफ्टवेयर अपडेट, विंडोज 11 में भी फ्री कर सकते हैं अपग्रेड। ट्विटर पर आर्टिकल पढ़ने के लिए देने होंगे पैसे, एलन मस्क का ऐलान, मीडिया पब्लिशर्स को चार्ज लेने की मिलेगी अनुमति। कोटक महिंद्रा बैंक के चौथे तिमाही के नतीजे या सामने, QFY23 में नेट प्रॉफिट 26% बढ़कर 3495 करोड़ रहा, 1.50 का डिविडेंड देगा बैंक। महंगे क्रूड के बाद 6.5% रहेगी विकास दर, वित्तीय क्षेत्र पर यूरोपीय बैंकिंग संकट का असर नहीं। दिल्ली दुबई फ्लाइट में कॉकपिट में अवैध एंट्री को लेकर इंडिया को नोटिस दिया गया है, सीईओ सुरक्षा अफसर से जवाब तलब। स्पैम कॉल और एसएमएस बंद, अनचाहे कॉल्स पहचाने के लिए सर्विस प्रोवाइडर कंपनियों का एआई ट्रायल सफल। मई के पहले दिन ही रसोई गैस सिलेंडर 171.50 रुपए हुआ सस्ता, कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम हर महीने बदलते रहते हैं। अप्रैल में विदेशी निवेशकों ने की रिकॉर्ड शेयर की खरीदारी, 11,631 करोड़ का किया निवेश, पिछले दो महीनों से बढ़ रहे हैं खरीदार। पाकिस्तान में कपड़े से लेकर खाने तक के दाम में रिकॉर्ड बढ़ोतरी, अप्रैल में 36% के पार महंगाई दर पहुंचा। आखिरी ओवर में डेविड के 3 छक्कों से जीता मुंबई, 1000वें आईपीएल मैच, राजस्थान को 6 विकेट से हराए, यशस्वी ने लगाया शतक। आखिरी बॉल पर 3 रन बनाकर जीता पंजाब, लिविंगस्टन ने 16वें ओवर में 3 छक्के जड़े, 200 प्लस डिफेंड करते हुए पहली बारी हारी चेन्नई।
सात्विक चिराग ने एशियन बैडमिंटन में जीता डबल्स का पहला गोल्ड। 61 साल के इतिहास में पहली बार चैंपियन बनी भारतीय जोड़ी। WFI विवाद में नेताओं पर भड़के योगेश्वर दत्त, बोले कमेटी की रिपोर्ट को मंदिर की घंटी बनाए, जो आता है गलत ठहरा देता है। धोनी ने दो बॉल पर दो सिक्स लगाए, रहाणे ने छोड़ा करण का कैच, तमिलनाडु सीएम स्टालिन मैच देखने पहुंचे। हासे फिसले मैच पर संजू सैमसन ने दी प्रतिक्रिया, बोले हम इस तरह की कड़ी टक्कर देना जारी रखेंगे। आईपीएल का चौथा सबसे बड़ा सफल रन चेंज, वानखेड़े में पहली बार 200 प्लस स्कोर का पीछा करते हुए मिली सफलता। हार से बेहद निराश है एमएस धोनी, बोले हमारी गेंदबाजी में थोड़ा सुधार होना चाहिए, इस पिच पर गेंद थोड़ा अच्छी साबित हो रही थी। क्रिकेट नहीं कुश्ती का अखाड़ा बना दिल्ली का कोटला स्टेडियम, फैंस के बीच जमकर चले लात घूंसे। प्लेऑफ की रेस से बाहर होने के कगार पर दिल्ली कैपिटल्स मार्च, बोले खिलाड़ियों पर भरोसा रखना होगा। मुंबई एयरपोर्ट पर देखी कंगना रनौत, बोली अगर आप समझदार हैं तो आपको मुझसे डरना चाहिए। दी केरल स्टोरी में गायब लड़कियों के नंबर पर विवाद, अदा शर्मा बोली लड़कियां गायब क्यों हुई इस बात पर ध्यान दें। पिता बनना चाहते हैं सलमान खान, सेरोग्रेसी कानून के चलते मुश्किल हो रही है, बोले मैं अपनी जिंदगी का आखिरी प्यार तलाश रहा हूं। सिद्धिविनायक मंदिर पहुंचे सूरज पंचोली, जिया खान सुसाइड केस में बरी होने के बाद भगवान के दर्शन किए। अभिषेक बोले ऐश्वर्या को मेरी परमिशन की जरूरत नहीं, ट्रोलर्स ने कहा आप आराध्या का ख्याल रखिए और ऐश्वर्या को फिल्में करने दीजिए। मुंबई में रेस्टोरेंट के बाहर देखिए दिशा पाटनी, पर्पल क्रॉप टॉप में फ्लॉन्ट के एब्स, फैंस ने हाइट की तारीफ की। बॉडीगार्ड सचिन की शादी में पहुंचे कार्तिक आर्यन, सोशल मीडिया पर तस्वीरें देख फैंस ने की तारीफ। तेलुगु कोरियोग्राफर चैतन्य ने की आत्महत्या, दिल दहला देगा सुसाइड से पहले का आखिरी वीडियो। अजीत कुमार के बर्थडे पर फैंस को मिला तोहफा, लाइका प्रोडक्शंस की आगामी फिल्म के नाम का किया ऐलान। मिस्टर एंड मिसेज माही की शूटिंग हुई पूरी, बड़े पर्दे पर फिर जमेगी जानवी राजकुमार की जोड़ी। आज के लिए शतक में बस इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।